डंडे मारने का, लाठी चार्ज करने का काम किया है, बाल तक उनको घसीट कर ले गए हैं। और ये सब जिसकी डायरेक्शन पे हुआ सारी सबको मालूम है। महिला मंत्री जो पहले तो बाहर निकलकर आ जाती थी, जब उनसे खिलाड़ियों के बारे में प्रश्न किया जाता है तो वो दौड़ने लग जाती है, पीठ दबाकर दिखाकर भागती है मीडिया को भी। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए गीता फुगल, आप जरूर बताइए कि निंदा प्रस्ताव पास क्यों करना? देखिए, देश भर देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारी बहन बेटी पहलवानों के साथ क्या बर्ताव हुआ है, पुलिस ने किस प्रकार से उनके ऊपर डंडे मारने का, लाठी चार्ज करने का काम किया है, बाल तक उनको घसीट कर ले गए हैं। और ये सब जिसकी डायरेक्शन पे हुआ सारी सबको मालूम है। यही कारण है कि पहले भी कांग्रेस पार्टी ने, पूरी सीएलपी ने जाकर जंतर मंतर पर हमारी जो बहन बेटियां रेसलर्स हैं जिन्होंने की प्रदेश और देश के लिए मेडल लाने का काम किया, वो धरने पर बैठी थी तो हमारे नेताओं ने भी सपोर्ट किया और हमारी पूरी सीएलपी जंतर मंतर पर जाकर अपना उनको सपोर्ट भी कर आई। लेकिन उसके बाद जो हरकत हुई है, हमारे पहलवान रोते बिलखते हुए इस घटना के बाद गंगा के तट पर पहुंच गए कि हम अपने मेडल्स को प्रभावित कर देंगे, उसे हम लोग बहुत दुखी है, दिल और आत्मा रो रही है। ये बहुत ही ऐसी बात है कि जो ब्रजभूषण है उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पॉस्को का वो जो एफआईआर में दर्ज भी करवाया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार बोल रही है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कांग्रेस का हाथ है, हुड्डा परिवार का हाथ है, ये सारी जो बातें हैं इसमें देखिए बीजेपी के बोलने का क्या है। कांग्रेस पार्टी ने हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शक्ति सिंह गोविल जी की मौजूदगी में, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे सीएलपी लीडर हैं उनकी मौजूदगी में और अध्यक्ष और सभी विधायकों की मौजूदगी में हमने एक निंदा प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रस्ताव रखा है कि हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं जो बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बीजेपी क्या इसको सही समझती है? क्या कारण है कि बीजेपी की मंत्री, महिला मंत्री जो पहले तो बाहर निकलकर आ जाती थी, जब उनसे खिलाड़ियों के बारे में प्रश्न किया जाता है तो वो दौड़ने लग जाती है, पीठ दबाकर दिखाकर भागती है मीडिया को भी? जैसे अनुराग ठाकुर ने भी कहा है, पंचायत भी हो रही है, पर आपको ये बता दें कि वो कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करें, प्रतीक्षा करें, तो इतना इंपेशेंस क्यों? देखिए इंपेशेंस की बात नहीं है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उनके धरने को सपोर्ट किया है, न केवल कांग्रेस पार्टी, ज्यादातर राजनीतिक दल, सामाजिक दल, खाप पंचायतें, सामाजिक दल, एनजीओज हैं, हमारे स्टूडेंट यूनियंस हैं, सभी लोग वहां पर जा रहे हैं, सोच रहे हैं इस देश में, इस लोकतंत्र में बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। वी आर द 50% लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, जन समूह कहाँ है, जन सपोर्ट? वी आर द 50% ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड, और उस ह्यूमन रिसोर्स में से बहन बेटियों ने जो मेडल लेकर आई है उनके साथ अन्याय हो रहा है, पॉस्को एक्ट लगा है, एफआईआर दर्ज हो रहा है, कार्रवाई तो नहीं हो रही ना। देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, इन बेटियों के मन की बात क्यों नहीं सुनते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री खेल मंत्री हैं, जाकर इनके सर पर हाथ रख के पूछते नहीं है, उनसे पूछें कि हम आपकी सपोर्ट में, कहें कि हम आपकी मदद करेंगे अगर आपके साथ अन्याय हुआ। पहलवान बेटियों के साथ अगर यौन शोषण हुआ है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, आम बच्ची के साथ क्या होगा? तो मैं समझती हूँ आज संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, हमें उम्मीद थी कि न्यायपालिका ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, हमें उम्मीद थी कि तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई होगी, हमें उम्मीद थी कि खिलाड़ियों का सम्मान वहां से धरने से उठाया जाएगा, हमें उम्मीद थी कि उन पर लाठीचार्ज करने की बजाय सम्मानजनक। दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई पूछताछ नहीं की है, दिल्ली पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है ब्रजभूषण से, आपको क्या लगता है कितनी न्याय की उम्मीद की जा सकती है? देखिए देर है, अंधेर नहीं है, न्याय तो अल्टीमेटली होगा, अगर कोर्ट कचहरी से नहीं होगा तो जनता जो है जरूर इस चीज का बदला लेगी। आज लोगों में बड़ा डर और भय का माहौल है, वो बहन बेटियां जिनके साथ इस तरह का यौन शोषण हुआ था वो हिम्मत करके आगे नहीं आ पाएंगी। अगर इन बेटियों को भी न्याय नहीं मिला ना, हम उनकी लड़ाई पूरी मजबूती के साथ कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर, संसद के अंदर, संसद के बाहर, विपक्ष आपके समक्ष में और सड़क पर भी इनकी लड़ाई लड़ेंगे और बेटियों को न्याय दिलाकर रहेंगे।